हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको पांच ऐसे शेयर बताऊंगा जिसमें आप लोग इस समय पैसा लगा सकते हो। मार्केट में भाई गिरावट होती रहती है, पहले भी मार्केट गिर चुका है और रिकवर भी हो चुका है, तो आप लोग डरिए नहीं, गिरावट में पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते जाइए। मार्केट जब रिकवर होगा भाई तो आपका पैसा बहुत ही तेजी से बनेगा, डरिएगा तो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, मैं जिस कंपनी को चूज किया हूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आप सभी लोग बर्जर पेंट को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, बिजनेस के बारे में जानते हो, तो भैया इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। अगर आप लोग 10 साल 20 साल 30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में बर्जर पेंट का शेयर होना चाहिए, एशियन पेंट का शेयर होना चाहिए, कंसाइन नेरोलैक का भी शेयर होना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में आपका पैसा सेफ रहेगा। बर्जर पेंट का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 75% होल्डिंग है, इनको भाई होल्डिंग कम करना पड़ेगा। FIS के पास जो होल्डिंग है बर्जर पेंट में 5.54% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बर्जर पेंट में 2.28% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 1.51% होल्डिंग है। अदर डीए पर जो होल्डिंग है 4.26% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 11.41% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बर्जर पेंट का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बर्जर पेंट का। पी रेशियो है बर्जर पेंट का 64.86 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है बर्जर पेंट का 13.06 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है बर्जर पेंट का 0.57% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी लेटेस्ट देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है बर्जर पेंट का, 30.15% का आरओसी लेटेस्ट है। आरओई जो लेटेस्ट है बर्जर पेंट का 20.13% का। तो भैया मुझे इसका आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई, एक्सपेंसिव बता रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा बर्जर पेंट का वो 199 से 222 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा। आप लोग भाई इस कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हो तो 318-309 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रख लेना। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें पैसा बनेगा ही। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख लो गुड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है बर्जर पेंट का 9.39% का है। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है बर्जर पेंट का 15.58% का है। तो भैया मुझे इसका एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड अब तक किस तरह से टर्न बना के दे चुका है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 2056.49% टर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा। सेंसेक्स का टर्न है वो 135.61% टर्न है। तीन साल में टर्न है वो 38.97% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 31.35% टर्न है। वन ईयर में देख लो भाई, वन ईयर में टर्न है 6.11% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -0.65% टर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में टर्न है 0.85% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 2.37% टर्न है। वन मंथ में देख लो, वन मंथ में टर्न है 4.97% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -7.23% टर्न है। वन वीक में देख लो, वन वीक में टर्न है 1.69% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -2.49% टर्न है। वन डे में देख लो भाई, वन डे में टर्न है 0.65% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -0.22% टर्न है। तो भैया आप लोग बर्जर पेंट में पैसा लगाइए, 3 साल से कंपनी कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो हो सके ये कंपनी आप बहुत ही तेज रिटर्न बना के दे। कंपनी भाई कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो मैं कंपनी चूज किया हूँ भाई उसका नाम है HDFC लाइफ। HDFC ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई। इस बिजनेस में ना तो NPA बढ़ने का खतरा है, ना ही तो एसेट क्वालिटी खराब होने का खतरा है। आप सभी लोगों को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप लोग पैसा लगाइए HDFC ग्रुप की। और भी कई सारी कंपनी है जैसे HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड,
ये दो कंपनी में पैसा लगा सकते हो, अच्छा खासा गिरावट भी हो चुका है, तो आप लोग पैसा लगाइए। क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में। HDFC लाइफ का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 74.49% होल्डिंग है, इनको भाई होल्डिंग कम करना पड़ेगा। FIs का जो होल्डिंग है HDFC लाइफ में 11.75% होल्डिंग है, आने वाले समय में इस कंपनी में FIs की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है 3.59% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 0.51% होल्डिंग है, अदर डे पर जो होल्डिंग है 0.79% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 8.84% होल्डिंग है। कोई भी शेयर HDFC लाइफ का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। HDFC लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 51.48% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ HDFC लाइफ का, तो भैया यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं शो कर रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है HDFC लाइफ का और 21.30% का सेल्स ग्रोथ है 5 ईयर का। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का है 22.15% का, तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो 20-21% का भाई कम नहीं होता है। HDFC लाइफ अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का भी रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो नवंबर 2017 में आया था, 290 रुपए के प्राइस पे आया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 1 ईयर में रिटर्न है -1.07% है, सेंसेक्स रिटर्न है -0.71% है, ईयर टू डेट में देख लो भाई ईयर टू डेट में रिटर्न है 25.92% है, सेंसेक्स रिटर्न है 2.31% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 25% रिटर्न बना के दे चुका है। वन मंथ में देख लो, वन मंथ में रिटर्न है 3.83% है, सेंसेक्स रिटर्न है -7.33% है, वन वीक में देख लो भाई वन वीक में रिटर्न है -2.25% है, सेंसेक्स रिटर्न है -2.61% है, वन डे में देख लो वन डे में रिटर्न है -0.18% है, सेंसेक्स रिटर्न है -0.33% है। तो भैया आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, सोने का अंडा देने वाला शेयर है भाई, इसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। तीसरी जो मैं कंपनी चूज किया हूँ भाई उसका नाम है दीपक नेटेड, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कई सारे इंडस्ट्री के लिए ये जो कंपनी है फ्रेंड वो केमिकल बनाती है, इनके पास प्रोडक्ट है। लेकिन भैया मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देना चाहता हूँ, अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, तो आप लोग इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भूल कर भी नहीं कीजिएगा। पैसा बनना होगा भाई तो आप छोटा भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए। दीपक नेटेड का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, तो देखो भाई प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 44.85% होल्डिंग है, FIs के पास जो होल्डिंग है दीपक नेटेड में 10.73% होल्डिंग है, जबकि ये स्मॉल कैप कंपनी है फिर भी इस कंपनी में FIs पैसा लगा रहे हैं, तो आप लोग भी पैसा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 15.85% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 0.02% होल्डिंग है, अदर डे पर जो होल्डिंग है 0.45% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 28.1% होल्डिंग है। कोई भी शेयर दीपक नाइट्रेट का प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दीपक नाइट्रेट का, पी रेशियो है दीपक नाइट्रेट का 22.31 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है दीपक नाइट्रेट का 3.61 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड जो है दीपक नाइट्रेट का 0.70% का डिविडेंड यील्ड है, आरओसी लेटेस्ट देख लो भाई 15.48% का आरओसी लेटेस्ट है, आरओई लेटेस्ट है 16.21% का, वैल्यूएशन देख सकते हो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। दीपक नाइट्रेट का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 17-62 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा। आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाना चाहते हो तो 260-265 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो आप लोग खरीद के रखना लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना इस कंपनी में क्योंकि अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है। दीपक नेटेड लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो
2185.83% टर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा टर्न माना जाएगा 10 साल में। सेंसेक्स का टर्न है वो 135.58% टर्न है, 3 साल में देख लो, 3 साल में बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है, देख सकते हो 180.24% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 31.93% टर्न है, 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में टर्न है 16.64% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -0.73% टर्न है। तो भैया आपने देखा कि 10 साल में 2100% टर्न था और 1 ईयर में मात्र 16% टर्न है। इसलिए भाई मैं बोलता हूँ ना कि आप लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी जाके आप बड़ा पैसा बना सकते हो। शॉर्ट टर्म है भाई, कुछ भी पैसा नहीं बनता है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में टर्न है 27.43% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 2.27% टर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 27% टर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में टर्न है -8.90% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -7.36% टर्न है। 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में टर्न है -0.98% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -2.60% टर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में टर्न है 0.27% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -0.33% टर्न है। तो भैया आप लोग इस कंपनी में पैसा बनाइए, 260-265 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो कुछ शेयर खरीद के रख लेना। चौथी जो मैं कंपनी चूज किया भाई, उसका नाम है HDFC MC। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है भाई, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है। पहले भी मैं इस कंपनी के बारे में आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, मैं खुद भी इस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ, तो आप लोग इस कंपनी में मंथली SIP कीजिए। ये एक सेफ कंपनी है भाई, जिसमें आपका पैसा बनता रहेगा एनुअली। ये कंपनी आपको 40-45% तक रिटर्न बना के दे सकता है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, तो आप लोग पैसा लगाइए। HDFC MC का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 82.71% होल्डिंग है, इनको भाई होल्डिंग कम करना पड़ेगा। FIS के पास जो होल्डिंग है HDFC MC में 4.73% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 0.92% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है 1.35% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 10.29% होल्डिंग है। कोई भी शेयर HDFC MC का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। HDFC लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 52.77% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ HDFC MC का। पी रेशियो है HDFC MC का 44.65 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है HDFC MC का 14.79 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है HDFC MC का, 1.12% का डिविडेंड यील्ड है। ROC लेटेस्ट देख लो भाई, बहुत ही जबरदस्त है, 1149.72% का ROC लेटेस्ट है। ROE देख लो 33.12% का। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड ROC ROE बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई, वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। HDFC MC का फेयर जो वैल्यूएशन होगा वो 449 से 577 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा, जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हो तो करंट प्राइस में पोजीशन बना सकते हो, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। वैसे भाई इस कंपनी में आप किसी भी प्राइस पे खरीदोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। HDFC MC अब तक किस टाइप से टर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का टर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का भी टर्न नहीं शो करेगा और 1 ईयर का भी टर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो जुलाई 2018 में आया था, 1100 रुपये के प्राइस पे आया था भाई, धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी HDFC MC की। तो देखो ये कंपनी ईयर टू डेट में कितना रिटर्न बना के दिया है। तो देखो ईयर टू डेट में टर्न है वो 42.65% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है 2.31% टर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 42% टर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में टर्न है 7.67% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -7.32% टर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में टर्न है -1.85% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -2.58% टर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में टर्न है 0.83% टर्न है। सेंसेक्स का टर्न है -0.30% टर्न है। तो भैया आप लोग HDFC MC को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए,
15 से 20 साल 30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में HDFC AMC का शेयर होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। HDFC ग्रुप की कंपनी है, AMC का फ्रेंड बिजनेस बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो पैसा लगाइए, जितना चाहो उतना इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। गिरावट होती है भाई इस कंपनी में, तो आप लोग डरना बिल्कुल भी नहीं और पैसा लगाना। पांचवी जो मैं कंपनी चूज किया हूँ भाई, उसका नाम है ICICI लोम्बार्ड। ICICI ग्रुप की कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस का इनका बिजनेस है। पहले भी मैं इस कंपनी के बारे में आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए। क्वालिटी कंपनी है भाई, क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा तो सेफ रहता ही है और लॉन्ग टर्म में आपको ये सब वेल्थ क्रिएट करके भी देगा। तो आप लोग हमेशा क्वालिटी कंपनी खरीदो, इधर कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा ही। बहुत लोग बोलते हैं मुझे, कमेंट करते हैं कि भैया आप एक ही कंपनी के बारे में कितना बार वीडियो बनाओगे। जब भी मैं HDFC AMC वीडियो बनाता हूँ, बजाज फाइनेंस वीडियो बनाता हूँ और भी कई सारी कंपनी है, आईजीएल में वीडियो बनाता हूँ, तो लोग कमेंट करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो भैया मैं स्टॉक तो बता दूंगा लेकिन क्या आपको रिटर्न मिल पाएगा? नहीं रिटर्न मिलेगा। तो आप लोग हमेशा क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं। अगर मैं रिपीटेड वीडियो बनाता हूँ भाई तो आप समझ लो वो कंपनी बहुत ही बढ़िया होगा, इसलिए मैं उस कंपनी पे बार बार वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इन सब कंपनियों में पैसा लगा के रखें। ICICI लोम्बार्ड का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 55.86% होल्डिंग है। FIS का जो होल्डिंग है ICICI लोम्बार्ड में 18.53% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 4.23% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है 1.75% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 19.63% होल्डिंग है। कोई भी शेयर ICICI लोम्बार्ड का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ICICI लोम्बार्ड का, तो भैया यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं शो कर रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोग को। ICICI लोम्बार्ड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो सितंबर 2017 में आया था, 661 रुपये के प्राइस पे आया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 1 ईयर में रिटर्न है 47.95% है, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.96% है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में रिटर्न है 33.95% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 2.06% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 33% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में रिटर्न है 4.33% है, सेंसेक्स का रिटर्न है -7.55% आने। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में डाने 1.63% आने, सेंसेक्स का डाने -2.83% आने। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में डाने 0.73% आने, सेंसेक्स का डाने -0.56% आने। तो भैया आप लोग ICICI लोम्बार्ड में पोजीशन बनाओ, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आप 10 साल 20 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में ICICI लोम्बार्ड का शेयर होना चाहिए, HDFC AMC का शेयर होना चाहिए, HDFC बैंक का शेयर होना चाहिए, बजाज फाइनेंस होना चाहिए। क्वालिटी कंपनी खरीदते हो भाई तो आपका पैसा बनेगा ही। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग हमेशा क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाओ, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। धन्यवाद।